नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों से अपनी समस्याएं लेकर वहां पर लोग पहुंचते हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने सबकी समस्या सुनी और अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। यही नहीं, महापौर के नव निर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव से मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने जीत की बधाई भी दी। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के बागियों ने पार्टी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ दिया। प्रदेश के कई जिलों में नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक भाजपा के बागी चुनाव जीते हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। नंदी के वार्ड संख्या 80 मोहित समगंज भाजपा से प्रत्याशी विजय वैश्य तीसरे स्थान पर रहे। आगरा नगर निगम चुनाव में भाजपा के दिग्गज भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सके। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, नगर निगम चुनाव के संयोजक विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे के वार्डों में भी सभी पार्टी के प्रत्याशी हार गए। इसके साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा के पुत्र अमरेश भी चुनाव हार गए। धाकरान वार्ड 76 में निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। यह उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का वार्ड है। राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे के वार्ड 24 में भी भाजपा की हार हुई। यहां तक कि जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा के पुत्र अमरेश ने नगलापदी वार्ड नंबर 73 से चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव हार गए। उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के गृह जिले रायबरेली में भी भाजपा की हार हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के शनोहनाल लाल सोनकर चुनाव जीते हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी के गृह जिले संभल की 3 में से 2 नगर पालिका में भाजपा की हार हुई है। गुलाब देवी के संसदीय क्षेत्र की चंदौसी नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी लता ने चुनाव जीता है। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के नतीजे घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा 66 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब लोगों में इस बात का उत्साह है। पार्टी सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच किसे चुनेगी, इसी बीच डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस एमपी डीके सुरेश ने अपने भाई और सीएम बनाने पर इच्छा जताई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की नींव रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा ने जहां जबरदस्त जीत हासिल की, वहीं विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है। वहीं विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर धांधली के आरोप लगाए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद आज मायावती ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग किया गया है, बसपा समय आने पर इसका जवाब देगी। मायावती ने यह भी कहा कि तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है, इसे पार्टी नेताओं के बयानों में साफ देखा जा सकता है। भले ही इस वक्त पूरा फोकस विधानसभा चुनाव में रहेगा, लेकिन नजर लोकसभा चुनाव पर रहेगी। हर चुनाव के दौरान अब लोकसभा चुनाव 2024 की बात होना भी तय है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आत्मविश्वास से भर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था, साधारण इंसान बजरंग बली का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये हार नरेंद्र मोदी की हार है। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और पार्टी को पूरी तरीके से कमबैक करने की उम्मीद है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा शनिवार को आप नेता राघव चड्ढा के साथ सगाई कर ली। सगाई समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई मेहमानों में से एक थे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे जो कि पूर्व मंत्री के बेटे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता दोनों की सगाई समारोह में शामिल हुई। इसके साथ ही पंजाब के सीएम और आप नेता भगवंत मान भी नई दिल्ली के कपूरथला हाउस पहुंचे थे। रिंग सेरेमनी की तस्वीर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने कपल को उनके नए सफर की शुरुआत के लिए बधाई दी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ईश्वर की बनाई आपकी यह खूबसूरत जोड़ी हमेशा बनी रहे। सीएम ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वह राघव चड्ढा को गले लगा रहे हैं, वहीं दूसरी फोटो में वह राघव और परिणीति दोनों के साथ पोज दे रहे हैं। सगाई समारोह सिख रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है। गाजियाबाद में नगर निगम ने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 के तहत एक कंपटीशन का आयोजन किया। कार्यक्रम में आरडीसी स्थित एक फ्लाईओवर की दीवार को छोटे स्कूली बच्चों से पेंट कराने का कार्य किया गया। नगर निगम के इस काम से बच्चों और उनके अभिभावकों को अपना गाजियाबाद स्वच्छ बनाने की प्रेरणा भी मिली। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सफाई में प्रथम स्थान पर है। सर, आज संडे का दिन है, अभी मतदान खत्म ही हुआ है, मतदान की गिनती पूरी हुई है, नया मेयर मिला है और नगर निगम काम पर नज़र आ रहा है, क्या कुछ इनिशिएटिव है जो आज यहाँ लिया जा रहा है? ये गाज़ियाबाद को स्वच्छ रखने की एक मुहिम है और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये आईसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि साइड वॉल्स पे स्वच्छ सर्वेक्षण के मैसेजेस स्कूल स्टूडेंट्स के सहयोग से लिखवाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता के मैसेज जन जन तक लेके जाना, बच्चों के माध्यम से, आपके माध्यम से, क्योंकि स्वच्छता खाली निगम एज एन एजेंसी नहीं कर सकता, हमें सभी का सपोर्ट चाहिए। मैम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुदीप्ता सेन है, मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ अरवाचिन पब्लिक स्कूल से आई हूँ। अगर क्या कुछ कार्यक्रम है जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पहुँची? यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जो क्लिनलीनेस अवेयरनेस है, वेस्ट टू वेल्थ के इस प्रोग्राम के वॉल पेंटिंग में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। वी आर वेरी लकी टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। बच्चे आज पेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना स्किल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है जो मैसेज देने की कोशिश है उससे बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारी ये स्वच्छ अभियान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हम एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं बच्चों को। सर, नाम क्या है अपना? सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं इंग्राम इंस्टीट्यूट से हूँ, एनसीसी एएनओ हूँ और मैं आप बच्चों को लेकर आया हूँ। यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम है? एक्चुअली यहाँ पे वॉल पेंटिंग के लिए नगर आयुक्त जी ने, जो डॉक्टर नितिन गौड़ जी हैं, उन्होंने मीटिंग के बाद डिसीजन लिया कि यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाए स्कूल से और यहाँ वॉल को जो है पेंटिंग किया जाए अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंगली। हमारा स्कूल अपना कर रहा है कि उसमें सेव अर्थ के लिए एक टॉपिक बनाया हमने स्पेशली और उसको पेंटिंग कर रहे हैं, हमारे स्कूल से बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, कितना अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं और एक मैसेज जो निकलना चाहिए कि साफ सफाई रखी जाए, गाजियाबाद को साफ रखा जाए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कार्तिक शर्मा। क्या कुछ कर रहे हैं आप सुबह सुबह? आज संडे का दिन है, आज तो हम इस कंपटीशन के लिए आए थे, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स अ वेरी गुड कंपटीशन। जैसे कि इस कंपटीशन से एक तो कॉम्पिटिटिव स्किल्स, आर्ट स्किल्स, सब कुछ अच्छा है। इवन कहें तो ये कंपटीशन में जब आया तो स्टार्टिंग में एक मोटिवेशन था, वी कैन डू फॉर समथिंग। और जैसे कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और एक तो चीज़ यहाँ पर जो मेरी रोड्स है, फ्लाई ओवर है, वो भी थोड़ा सा इससे अट्रैक्टिव लगने लगेगा, एज मेरे तो यही राय है। अच्छा बच्चे, आपकी जो एज है उसमें घर पे आपको दीवार पेंट करने दिया था। यूपी के नगर निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। इस जीत पर उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का एक बयान सामने आया। बयान में अली जैदी ने कहा कि निरंतर मुसलमानों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा है, बीजेपी के टिकट पर कई मुसलमान चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस तरीके से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता था, उसकी साजिश नाकामयाब हुई। मुसलमानों ने बीजेपी की नीति सबका साथ सबका विश्वास पर, सबका विकास पर यकीन किया है। इसके साथ साफ संकेत है कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पार्टी के सभी विजयी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुसलमानों को टिकट दे के मैदान में उतारा है और जिस तरह से कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया है,
उससे साफ जाहिर है कि मुसलमानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करने की विपक्ष की जो साजिश है वो नाकाम हुई है। खास करके पश्चिमी यूपी में जहां जहां मैंने जनसभाएं की और भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को अल्पसंख्यक वर्ग के बीच बताया है, वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पथराव का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग देर रात विश्वविद्यालय हॉस्टल में घुसकर हमला करते नजर आ रहे हैं। पथराव के बाद हॉस्टल के छात्रों में दहशत का माहौल फैला हुआ है और पथराव से आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल की खिड़कियां और दरवाजे भी टूट गए हैं। यूपी के नगर निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई, इसको लेकर प्राइम टीवी के संवाददाता ने भाजपा नेता साहब सिंह के पुंडीर से खास बातचीत की है। खास बातचीत में साहब सिंह पुंडीर ने बताया कि यूपी की 17 नगर सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर में विशाल जनसभा कर जनता को पिछली सरकारों में होते आ रहे जनता के उत्पीड़न जैसी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं सरकार की कार्यशैली के चलते ही आज प्रदेश में विकास हुआ है और माफियाओं का खात्मा हुआ है। जी सर बताइए, आज जो है निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है, किस तरह से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को? देखिए, आपने भी देखा होगा कि 17 महापौर के जो पद थे, 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, जो अपने आप में एक इतिहास है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो काम कर रही है, जो विकास कर रही है, जो शांति व्यवस्था है, जो विकास का काम है, जो भी तमाम सरकार की जो नीतियां हैं, उसको जन समर्थन मिला है और वो एक तरफा जन समर्थन मिला है। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और आदरणीय हमारे क्षेत्र पश्चिम के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल चेयरमैन चुने गए हैं। बता दें कि प्रवीण अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मिश्रा को 18,871 मतों से पराजित किया है। वहीं प्रवीण अग्रवाल इससे पहले भी 2 बार पूर्व के चेयरमैन रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल कार्यकर्ता, हमारी आम जनता, जनार्दन, हमारे सभी मतदाता, हमारे इष्ट मित्र, दोस्त यार, रिश्तेदार, सबका इसमें भारी योगदान रहा है। सब ने जमकर मेहनत किया है और रात दिन एकजुट करके सब ने जो है प्रयास किया है कि इस महापर्व को, इस इलेक्शन को सुल्तानपुर का इतिहास बनाने का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में जीतने का जो है सबने संकल्प लिया था, उसको पूरा करने का प्रयास किया है। अब काउंटिंग अभी चल रही है और जैसा कि रुझान मिल रहा है कि 15,000 के अंतर से। चंदौली के चकिया नगर पंचायत में गौरव श्रीवास्तव चकिया के चेयरमैन बने। इस अवसर पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने गौरव श्रीवास्तव से खास बातचीत की। वहीं गौरव श्रीवास्तव ने चेयरमैन बनने के बाद क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिल रहा था, ऐसे विषम परिस्थिति में चकिया नगर वासियों के साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा था। लेकिन आज गौरव श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार के पत्रकार भी हैं। ऐसे में 744 वोट से विजय श्री हासिल कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार ये चेयरमैन जो 744 वोट से जीते हैं, ये जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है और प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सेवा का यह प्रतिफल है और हमारे संपूर्ण कार्यकर्ता चकिया नगर के पूरे मन योग से शाम सुबह रात्रि मिल करके, व्यक्ति से व्यक्ति जा करके, घर घर हर महिला पुरुष से निवेदन किया और मोदी जी के सारे कार्यों को बताया, उस कारण हमारे कार्यकर्ताओं के बल के कारण ही जीत हुई है। धन्यवाद। स्वागत करना चाहता हूं कैंडिडेट के चयन में कार्यकर्ताओं के सम्मान और कार्यकर्ताओं के इज्जत और भरोसा का भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा, कार्यकर्ताओं के सम्मान को रखते हुए चयन किया। और जहां तक जीत का सवाल है, 15 वर्षों के बाद जनता ने चकिया की जो सूर और मूर
जोड़ करके हमको जिता दिया है। चकिया के जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां की जीत के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहता हूं। एक एक कार्यकर्ताओं के बल पर हमने जीत हासिल किया है, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से अपने प्रत्याशी गौरव जी श्रीवास्तव जो एक समाजसेवी है, एक पत्रकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, किसान मोर्चा का जिला मंत्री है। जीत गए, ये जीत है सर। जनता जनता कह रही है सारी समीकरण टूट गए, गौरव भैया जीत गए। आपसे बहुत सारी चकिया वासियों को आशा है, ऐसा कौन सा काम है जिसपे प्रथम दृष्टिया शुरू में आप काम करना शुरू करेंगे? ये पहली बात तो लगातार जो है यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लूट खसोट चल रहा है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से नगर पंचायत में व्याप्त। पिछले 2.5 साल से चेयरमैन भी नहीं थे, तमाम भ्रष्टाचार लिप्त नगर पंचायत को दूर करना, सरकारी योजनाओं को जो शासन से मिलता है हमारी पार्टी द्वारा गरीबों के हित में, उस सभी चाहे आवास चाहे पेंशन चाहे राशन, जो भी योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है उसको। रायबरेली के सरेनी में एक घर से रात में अचानक सांप के निकलने का मामला सामने आया। बता दें कि मजरे काल ही गांव के दीवान मोहम्मद के घर से रात में 12 बजे अचानक सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सांप निकलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको देखकर घर के सदस्यों के अंदर डर और आ गया। वहीं घर वालों के मुताबिक अभी तक लगभग 100 से 150 सांप निकल चुके हैं, जिनका सिलसिला अभी तक जारी है। क्या नाम है? रिजवान मोहम्मद। कहाँ रहते हो? राम गाँव। क्या हुआ है? कालीगाँव। क्या हुआ है? हमारे यहाँ रात 12 बजे से सांप निकलना शुरू हो गए हैं, अभी तक बंद नहीं हुए, जहाँ देखो तहाँ सांप ही मिल रहे हैं। सुबह कितने सर्प निकले? 100 से 150 के आसपास सर्प मार चुके हैं। अच्छा, हाँ, देर रात से निकल रहे हैं। हाँ, रात 12 बजे से निकलना शुरू हो गए। सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव में भाजपा से मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने जीत हासिल की। बता दें कि महानगर की जनता ने नगर की मेयर सीट पर भाजपा प्रत्याशी को 1,54,753 मत दिए। वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये जीत सरकार के नगरों में कराए गए विकास कार्यों के अनुरूप आया रिजल्ट है। सर, एक बार फिर कमल का फूल जो है खिलाए महापौर पद पर, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर्व समाज से वोट मिला है, हर संप्रदाय से, हर धर्म से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो मैं सब नगर निगम के जितने भी लोग हैं, सब समाज ने मुझे वोट दिया, उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ, कृतज्ञ हूँ उनके प्रति। सर, जनता ने एक बार फिर से फूल को खिलाया है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिस तरह से शहर की? ये मैं पिछले 2 हफ्ते से लगातार कह रहा हूँ, अपनी विचारधारा है हर व्यक्ति के जीवन में एक खुशी लाना, नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन लाना, ये धुरी रहेगी, इसके इर्द गिर्द सब लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, ये जनता ने हमारे विकास और सुशासन के मॉडल पर एक बार फिर से मोहर लगाई है। इस बार हम पिछली बार से भी अधिक मत हमें प्राप्त हुए हैं, पिछली बार से ज़्यादा बड़ी विजय इस बार हमें हासिल हुई है और ये जनता के का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में जो सुरक्षा, सुशासन और विकास का जो मॉडल उन्होंने दिया है, जनता ने उस पर ये एक बार फिर से मोहर लगाई है और ये तय हो गया है, ये सिद्ध हुआ है आज के चुनाव से कि जनता का समर्थन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। डॉक्टर साहब को जो है इस बार टिकट दिया गया था, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये था कि जो पहले से यहाँ पर मेयर रहे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।